Assalamualaikum everyone, I hope you all are doing well. So welcome back to my YouTube channel. आज है सैटरडे नाइट और एज ऑलवेज हम बाहर होते हैं. ये मौसम बैठे हुए हैं, ये मटूना से हम लोग आए हुए हैं बोईचेक. और भूख तो मुझे नहीं लग रही, इनको लग रही थी, इनका दिल चाह रहा था बोईचेक खाने का. तो अभी कुछ आता है बर्गर वगैरह, हमने ऑर्डर किया है, बर्गर आता है, फिर हम लोग बर्गर वगैरह खा के घर की रवानगी पे निकलते हैं. और आज और कल की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि संडे को आज मौसम और मुझे क्या करना है क्या नहीं करना. ये मौसम मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, सो वेट एंड वॉच, वेटिंग फॉर फूड. यही कौन सा बर्गर ऑर्डर किया आपने? यही कौन सा बर्गर ऑर्डर किया? यही कौन सा बर्गर ऑर्डर किया? इसको अभी तो आप प्लेटिनम में बोल रहे थे. दोनों के ठीक है, तो अब हम बर्गर आते हैं, फिर दिखाते हैं और खाते हैं, बाद में मिलते हैं, बाय बाय. यही कौन सा बर्गर ऑर्डर किया? यही कौन सा बर्गर ऑर्डर किया? इसको अभी तो आप प्लेटिनम में बोल रहे थे. दोनों के ठीक है, तो अब हम बर्गर आते हैं, फिर दिखाते हैं और खाते हैं, बाद में मिलते हैं, बाय बाय. बर्गर आ गए हैं. मैंने और मर्तुरस ने खाना खाया हुआ है, मोहसिन कोई भूख थी ज़्यादा तो बस हम दोनों थोड़ा थोड़ा खाएंगे, फिर हम मिलते हैं खा के. हम सब आए पापा की बाइक पे घूम रहे हैं. रात को 2 बजे मैं, मोहसिन, मर्तुरस हम आए थे बोबीचिक. कहीं से भी आओ ना, देखो कितना सामान होता है मेरे पास. आते ही ऐसी लेट जब अपने घर में सुकून मिल जाता है. यहाँ बाबा बैठे माशाल्लाह खेलने भाई. बेटे मोहम्मद महाद, महाद लुक हियर, मम्मा इज कॉलिंग यू. इसका मुंह साफ करें. लेटना तो नसीब में ही नहीं है. चलो तो उठते ही सब कुछ सही करते हैं. A few moments later. मैं फ्रेश फ्रेश होकर बैठ गई हूँ और मोहसिन जो है महाद का पैम्पर चेंज करो, वो बॉडी वॉश करवाने गए. हाँ मैं आप लोग के पास बोलती, आप लोग बोल रहे थे अपने दो हस्बैंड को ये बोल दिया वो बोल दिया. भाई यार आप सीरियसली बता रही हो, हम लोग कोई मियाँ बीवी की तरह नहीं रहते. वी आर फ्रेंड्स, हम मियाँ बीवी से ज़्यादा एक दूसरे के दोस्त हैं. और इज्जत या ये सब कुछ लोगों को दिखाने से, आप जनाब करने से पता नहीं चलता. आपके दिल में इज्जत, दिल में रिस्पेक्ट, दिल में प्यार होना चाहिए, ठीक है. सेकंड बात ये कि बातें बनाने वाले तो लाखों आ जाते हैं इस दुनिया में, जिसको जो बोलना है बोले, ठीक है. मैं जानती हूँ क्या रिलेशन है मेरा, क्या रिश्ता है, मुझे पता है. सो प्लीज़ डोंट टू टीच मी, नेक्स्ट टाइम मुझे मत सिखाओ, ओके. और बुरा लगे मेरी बात तो सॉरी. सो हम अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं, हम कोई फजूल बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है. तो बस मोहसिन बॉडी वॉश करवा रहे हैं, हमारी ना कमिटमेंट होती है. मोहसिन और मेरी देखो ठंडा पानी पी लेना ज़्यादा आवाज़ बंद. तो ना हम लोग कमिटमेंट होती है, दिन में मैं संभालूंगी, रात में आप संभालेंगे मात को, लेकिन संभालती मैं ही हूँ. एक आध दफ़ा बस कभी कभार शौक में बॉडी वॉश करवा दी, कुछ कर दिया तो कर दिया, तो ना अच्छा लगता है. पेरेंट्स बनने के बाद आपकी फीलिंग्स कुछ चेंज हो जाती हैं, चेंज क्या बहुत अच्छी हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह. वो आ रहे दोनों, देखो गाना गाते हुए आ रहे. देखो इतना मज़ा आता है इसको माशाल्लाह से. मेरे बेटे की ये देखो भाई, रात को ऐसी बातें होती है माशाल्लाह से इन दोनों की. रात को तुमको लेगा बाबा को.
महात महात, ये देखो मोमोज भी तो पाल भी दो, क्या कर लो आप। अम्मा थोड़ा सा सोएगा पर दोबारा उठ जाएगा, 3:30 बजे मौसम देखो शुरू होगा अपने बिस्किट्स खाना। अब हम व्लॉग देखेंगे, यार इतना अफसोस हुआ माँ सफदर का व्लॉग देख के, शाह सफदर नहीं गया, इतना दुख हो रहा था दिल से ही। बस अल्लाह ताला उसका पासपोर्ट मिल जाए, वो भी चला जाए जल्दी से। तू भाभी तो बोली मैं नमाज में दुआ कर रही थी, जानू अब इसको मैं थोड़ा सा सुलाऊंगी, हम दोनों व्लॉग देखेंगे। व्लॉग तो मैं आप लोग को दिखा नहीं सकती, तो व्लॉग वगैरह देखेंगे, उसके बाद बताती हूँ क्या क्या करेंगे, दिखाऊंगी। नहीं ना ये दुख हो रहा है, मतलब अजीब सा, पूरे घर वाले जा रहे हो पर दो बंदे ना जाएं। तुम 3 बजे गए हो, 2 बजे उनकी देर में क्यों आए? कहाँ जी बैठा होता ना, मैं एक जगह बैठा होता, मैं सब कुछ करके हुआ क्या, हुआ क्या? अभी लड़कों से पूछा, ये लड़के कोई बिरयानी खा रहा था, कोई कुछ पासपोर्ट, ये वो वाली बात सुन के ना सच में मुझे भी रोना आ गया। हंसी आ गई ना, तो मैं तो सबके पासपोर्ट, ये सिचुएशन ऐसी होती है ना कि इंसान को बहुत खुशी होती है। मेरी भी शादी से पहले ऐसा हुआ था, मेरा अम्मी और ना मेरे पापा का उम्रे का जाने का हो गया था, 9 अप्रैल को हमारी डेट आ गई थी, मतलब किसकी बोलते ही जहाज क्या बोलते हैं, मतलब पासपोर्ट वगैरह हो गया था हमारा, सब कुछ वीज़ा भी लग गया था। 9 अप्रैल को हमें जाना था उम्रे पे, अम्मी मैं और पापा बस, और कोई भी नहीं। तो फिर वो लॉकडाउन लग गया था अचानक बिल्कुल सख्त, और सब कुछ बंद हो गया था, तो वो सिचुएशन बहुत थी। और इसका तो कुछ घंटों बाद ही जाना था, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, इन लोग की इतनी वीडियोस वगैरह करते हैं लगता है बिल्कुल फैमिली कोई बहुत क्लोज है, इनके घर से सब बिल्कुल जानते हैं सब, वो वाला सीन लग रहा है। A few moments later. छोड़ो मेरे बेटे को देखे, माशाल्लाह कैसे सो रहा है, जो सजदा करा हुआ है माशाल्लाह। देखो मैं इसको सीधा करूंगी फिर ऐसे हो जाएगा, मैं इसको दो दफा सीधा करा, आप मर्जी चला सकते हैं, ड्राइवर के हाथ दब जाएंगे जान, मैं क्या बनेगा, तो वहां अम्मी की चलती है, इन ड्राइवर पे प्राइस का ये सिर्फ इसे देखते ही रहते हैं, मुझे देखे आपकी राइट, मुझे देखे, ये देखे मुझे इग्नोर कर रहा है। प्लीज प्लीज आप लोग दो दुआएं करें मेरे लिए, मेरी दो दुआएं कबूल नहीं होती, एक मोहसिन मोटे हो जाए और एक मोहसिन मावा खाना छोड़ दे, ये मैं व्लॉग में डालूंगी, आज का मेरा थंबनेल यही है, मोहसिन डाल दूं। मैं सच में डालूंगी आज ये वीडियो में डालूंगी व्लॉग में, देखो तुम देखो। प्लीज आप लोग दुआ करें मोहसिन मावा करना छोड़ दे, प्लीज प्लीज प्लीज, मैगी बना दे, मैगी बना रहे, बना दे प्लीज, जानो एक दिन भी हक नहीं होता आप लोगों का कि आपको मियाँ कुछ बना के खिलाए, क्योंकि नगेट्स खत्म हो गए तो मैंने बोला मैगी बना के लाए मुझे। कितने व्लॉग्स देखेंगे, 4 बजे 4:30 सॉरी, मुझे कोई मसला नहीं, मुझे सब ये मसला है कि महत सोता है और ये उसको फौरन उठा देते हैं यार। मैं आज आपको बिल्कुल रियल अपनी लाइफ बता रही हूँ कि हम पूरी रात रोज ये करते हैं, जब यह सबके बैठे जाता है आप इतनी लेट से होती हैं, और ये देखिए मोहसिन क्या कर रहे, ये देखिए क्या करूँ मैं, ये हर 2 दिन बाद पूरी ड्रॉज फुल होती है, हर 2 दिन बाद बना के दो मोहसिन,
चलो छोड़ो मुझे नहीं खाना, मुझे आइसक्रीम खानी है। जो उसको उठा रहा है ना उसको वही सुलाएगा दोबारा। व्लॉगिंग नहीं करूंगी। नहीं आओ मेरे पास आप देगा आप ट्राउजर क्या है सही करो। हाय गाइस कर दो, बोल दो गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चतुर्शी ब्रत को फॉलो करें इंस्टा पे। मुझे कुछ खाना है, आपको पता है हमारे नगेट्स खत्म हो गए। क्या खाए आइसक्रीम मुझे नहीं खानी, ये वाली आइसक्रीम भी नहीं खानी मुझे, कुछ भी नहीं हमारे फ्रिज में। आप मैं पता है ये लगा आई थी कल, कल बनाऊंगी खाने में, मुझे बहुत पसंद है ये। और अब इसके बाद जी हाँ, तो मॉफिन मैगी बनाना स्टार्ट हो चुके हैं। तो मैं बताती हूँ मॉफिन कैसे बनानी है, आप खुद बनाएं। ओपन दिस कैबिनेट, मेरी जानो सामने मैगी होगी, निकालो नगेट्स के नीचे। गुड, पहले पानी को बॉयल होने दीजिए, ये बहुत सारा पानी है। मुझे तो लग रहा था कि मॉफिन को थोड़ी बहुत तो बनानी आती होगी, इनको पता ही कि मैगी बनती कैसे यार, ऐसे तो नहीं होता है कोई। मम हाथ देखो क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं या माथ के बाबा मेरी मैगी बनाने। तो अब से हम आप लोगों के लिए बहुत मज़ेदार मज़ेदार व्लॉग लाने वाले हैं। बोले हाँ, बोले हाँ। आज का आज हम लोग मज़ेदार मज़ेदार व्लॉग लाने वाले हैं। अच्छा एक बात बता, पूछूं आपसे आज मेरी पहले चप्पलें दे दो फिर पूछना। तो लो देखिए मोहसिन की चप्पल है, मेरी वो है, मोहसिन ने मेरी पहनी हुई, मैंने मोहसिन की। थैंक यू। बट हम ये वाले व्लॉग सिर्फ और सिर्फ सैटरडे को ही बना सकते हैं, संडे को, क्योंकि यार मेरे हस्बैंड काम करते हैं, हम वो वाले कपल नहीं है जो दोनों मिलकर से व्लॉगिंग से अपना घर चला रहे होते हैं। तो इसलिए मेरे हस्बैंड बेचारे सुबह जाते हैं रात को आते हैं। तो बस आप लोग हमें भी सपोर्ट करें, जल्दी से हम भी बहुत प्यारी प्यारी वीडियो बनाएंगे। मैगी काफी नहीं तो फर्स्ट टाइम बना रहे। अच्छा एक बात बताएं, महक के होने के बाद आपको कैसा लगता है, मतलब आपको कैसा लगता है, अच्छा लगता है या क्या फीलिंग्स होती हैं आपकी?
महक के होने के बाद आपने सोचा था आप इतनी जल्दी पापा बन जाएंगे? सोचा तो नहीं था मैंने। है हम तीनों तीनों फुल एंजॉय कर रहे होते हैं रात को, ये भी सुबह 6 बजे सोता है। पापा महक की रूटीन भी बिल्कुल अपनी अपनी तरह बनाई है। जी बेटे बाबा के वेद प्याला भी तो क्या है महादा कोर्ट में नहीं लेटते महादा सिर्फ जमीन पे लेटने में मजा आता है महाद कोर्ट में नहीं लेटते अब उतर जाते हैं बोलते मुझे जमीन पे छोड़ दो क्योंकि वो घुटनों घुटनों चलने लगे ना इसलिए। तो हमारी मैगी बन रही है हमारे शेफ मोहसिन मैगी बना रहे हैं। कौन है ये लोग? फॉक ले जाओ चलो मैं यहाँ महाद की फिटर वगैरह वॉश कर लेती हूँ बस बस ये ज़्यादा बॉइल नहीं कर ये डाल दो। चलो मैम हम लोग को मैगी बनाने के बाद कमरे में मिलते हैं। बहुत लंबा व्लॉग आने वाला है मुझे आज ही अपलोड करना है। संडे का हम कोई और व्लॉग बनाएंगे ताकि मैं आपको एक हफ्ते में 2 से 3 व्लॉग तो दे दूँ। जब यूज्ड हो जाऊँगे तो फिर इंशाल्लाह डेली व्लॉगिंग की तरफ आएंगे हम। थैंक यू सो मच गाइज इतना सपोर्ट करने के लिए आई लव यू ऑल। थोड़ा सा और सपोर्ट कीजिए हमें प्लीज़ 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 प्लीज़। ये मेरे मियाँ गए हैं थैंक यू। रात सुबह फजर का टाइम हो रहा है मेरे मियाँ ने मुझे मैगी बना के दिया। आई लव यू सो मच आई लव यू जानू 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 आई लव यू टू। तो जी आई आम करते अपने व्लॉग की एंडिंग। तो थैंक यू सो मच मुझे हमेशा जब भी भूख लगती है बोलती हूँ बेटे मुझे अच्छी देख रही बेटे को आ रही नीनू फजर के अजान के बाद हम छोटे हैं। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल लाइक कमेंट जितना सब्सक्राइब करेंगे उतने अच्छे अच्छे क्योंकि इंसान के सब्सक्राइबर बढ़ते हैं व्यूज़ बढ़ते हैं ना तो वो मोटिवेट होता है कि नहीं यार और बनानी है लोग हमें पसंद कर रहे हैं लोग हमें लाइक करते हैं। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल आई लव यू सो मच गाइस प्लीज़ मोर सपोर्टिंग प्लीज़ कीप सपोर्टिंग विद मी। सब्सक्राइब कर दो इसकी मम्मा के चैनल को। बाय बाय।